स्थिति क्या है ये बताइए, और रेस्क्यू टीम को, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि बारिश के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है? हाँ देखिए बिल्कुल जया, जिस तरह से जो 5 दिन से लगातार मुरैना जिले में जो बारिश हो रही है उसके कारण कई जो गांव हैं ऐसे हैं जिनमें पानी भर गया है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिनसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर एनडीआरएफ की टीम और पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया है। हम यहाँ चंबल राजघाट के पुल पर खड़े हुए हैं जहाँ जो बारिश के पानी से पुल बिल्कुल पूरी तरह डूब गया। हम आपको पहले पीछे की तस्वीरें जया बताते हैं, ये जो बंसल न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहा है, और ये जो राजघाट का पुराना पुल है बिल्कुल पानी में आप देख सकते हो बिल्कुल पूरी तरह से डूब गया है, आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि इसके बगल से नया पुल भी बना हुआ है, वहां पे आवागमन चालू है, लेकिन जो पुराना पुल है वो जो खतरे के निशान से जो चंबल नदी है वो राजघाट पुल लगभग 5 मीटर ऊपर बह रहा है, यानी जो 142 मीटर के आसपास ये जो पूरा जो राजघाट पुल का जो पानी का जल स्तर है वो बह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हो ये जो पूरा मंदिर है वो भी इसमें पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, और जो आसपास के गांव है वहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और एक और जया चिंता की बात यह है कि जो कोटा बैराज है वहाँ से 1,06,000 क्यूसेक पानी कल रात 12 बजे छोड़ा गया है, जिससे और अधिक जो चंबल नदी का जो राजघाट पुल है वहाँ पानी का स्तर और बढ़ेगा, जिससे जो आसपास के 50 गाँव है वहाँ बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम लगी हुई है, रेस्क्यू कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है, लेकिन अगर जो 1,06,000 क्यूसेक पानी चंबल नदी में आता है तो निश्चित तौर पर ही जो आसपास के गांव है वहां परेशानी बढ़ेगी, पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग के लिए परेशानी भी बढ़ेगी। हम आपको पीछे की तस्वीरें बता देते हैं, लोग हैं वहां, देखो पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि जो चंबल का जो राजघाट का पुल है वो पूरी तरह से डूब गया है, पैदल लोग यहाँ निकलते थे वो अब आवागमन पूरी तरह से बंद है। तो हम आपको बता दें कि जो राजघाट का पुल डूबा है वो कहीं ना कहीं जो चंबल के लोग हैं, आसपास के जो गांव है वहां चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि अब जो पुलिस प्रशासन है, राजस्व विभाग की टीम है वो गांव में पहुंच चुकी है, और जहां पानी की ज्यादा संभावना बढ़ रही है, घरों में पानी भरा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। जया बिल्कुल, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं, और हालातों को देखते हुए आज सेना भी मोर्चा संभालेगी। मुरैना की तस्वीरें आपने हमारे संवाददाता के जरिए देखी, फिलहाल शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट्स आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।